बलिया में जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम सिंह के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डीएम ने एक आदेश जारी किया था कि कोई भी दुकानदार खुले में खाद्य सामग्री नहीं बेचेगा, लेकिन इसके बावजूद भी दुकानदार खुले में खाद्य सामग्री बेचकर जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भले ही जिलाधिकारी पूरे शहर में भ्रमण कर रहे हों और आदेश भी दिया हो कि कोई भी ग्राहक खुले में खाद्य सामग्री बेच रहे दुकानदारों से सामग्री ना खरीदे, जिसके लिए जिलाधिकारी ने पूरे शहर का भ्रमण भी किया, लेकिन भ्रमण के बाद भी जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम सिंह के आदेशों को भी नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। हालांकि जिलाधिकारी कार्यालय के नाक के नीचे ही दुकानदार खुले में खाद्य सामग्री बेच रहे हैं, तो शहर के दुकानदारों की बात ही कुछ और है। जिलाधिकारी और फूड इंस्पेक्टर ने शहर के दुकानदारों को नसीहत दे दी कि कोई भी दुकानदार खुले में खाद्य सामग्री नहीं बेचेगा, लेकिन दुकानदार अपनी मनमानी करने में लगे हैं। जब अपना घर ठीक नहीं तो दूसरों के घर को कैसे ठीक करेंगे? जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम से। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं उत्तरगंज का निवासी हूँ। प्रतिदिन आए यहाँ पे जो नशा करने वाले व्यक्ति आते हैं यहाँ खाने के लिए और साथ साथ दारू की बोतल लाते हैं, इसी दुकान में दारू पीते हैं और ये मांस खाते हैं और नहीं और नशे में होने के बाद दरवाजे पे पेशाब भी कर देते हैं, उल्टी भी कर देते हैं। ये नित्य का यही काम है इन लोगों का। एहसास करने पे जो कस्टमर आते हैं उनसे झगड़ा होता है, दुकानदार झगड़ा होता है, नित्य दिन यही का काम है। कभी नहीं, कभी नहीं। खाद्य विभाग के कोई अधिकारी ऐसे कभी नहीं, खाद्य विभाग के अधिकारी कहते हैं, दावा करते हैं कि हम हर महीनों में छापा मारते हैं, कभी नहीं। छापेमारी होगी तो ये धंधा होगा, नशा करने वाला आएंगे होटलों में खाने के लिए। ये मानते हैं कि अधिकारियों की मिली भगत से ये चल रहा है। अधिकारी ये कोई मुद्दा नहीं कि अधिकारी नहीं जानते हैं, लेकिन ये प्रतिदिन यहाँ पीने वाले आते हैं नशा करने। खाने से तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, बाहर खाना है और इसे मना भी रहता है खाने के लिए, लेकिन जब मन करता है तो खाने खाते ही। अंदर से मंत्री उसको ढांप के रखेंगे। आइंदा से तो आपको जिलाधिकारी बोल रहे हैं, अभी जो निर्देश जारी हुआ है पूरे जनपद को, तो क्या निर्देश को आप लोग जिलाधिकारी के निर्देश को क्यों इस तरह का नई जानकारी प्राप्त हो जाए? अखबारों में निकलना जानकारी नहीं है आपको? मालूम नहीं था मिठाई की दुकान वाला हो या चाहे कोई और सामान बेच रहा हो या सड़क किनारे ठेले पे बेच रहा हो, उसको या तो प्लास्टिक से ढक के बेचे जिससे कि उसमें डस्ट न जाए, मक्खियां न जाए। यदि वो सामान ऐसा है जो जाली के अंदर बेचा जा सकता है तो उसको जाली से कवर करके रखें, शीशे से कवर करके रखें, ट्रांसपेरेंट शीशा लगाएं उसके अंतर्गत रखें, जिससे कि इस तरह की संक्रामक रोग ना फैल पाए। अभी भी ये शिकायतें मिल रही हैं, विशेषकर कुछ जो मंदिर बस्तियों का एरिया है, जो कुछ मेन एरियाज हैं, कुछ लोकल बॉडीज का एरिया है, ये शिकायतें हमें भी मिली हैं और आपके माध्यम से भी मिली, मुझे संज्ञान में आई हैं कि अभी भी कुछ लोग इस चीज़ पर नहीं मान रहे हैं, खाद्य अपमिश्रण को लेकर के और खुले में सामान ना बेचने को लेकर के। उसमें सख्ती से कार्रवाई करेंगे, इसमें पेनाल्टी भी इम्पोज करेंगे, सीजर भी होगी और सामान को नष्ट भी करेंगे।